सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मेरा वीडियो पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। फियरलेस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पहले के वीडियो में बात कर चुके हैं कि जो कोक ओवन गैस होता है उसमें क्या क्या इम्प्योरिटीज होती है, जैसे कि तार, H2S, अमोनिया, मेथिलीन, इसको रिमूव करके हम लोग क्लीन कोक ओवन गैस बनाते हैं, जो कि बाद में इसको इस गैस को फर्दर यूज कर पाए। तो हम लोग फ्लो चार्ट इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, और फ्लो चार्ट में तार सेपरेशन होता है गैस लिक्विड सेपरेटर में। तो हम लोग इस वीडियो में सेपरेट सेपरेट पार्टिकुलर एरिया वाइज लोकेशन वाइज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके बाद पढ़ते हैं जीसी पंप हाउस, दैट मीन्स जो भी लिक्विड गैस लिक्विड सेपरेटर से कलेक्ट होके जो कि डिकेंटर में आता है उसको फर्दर ट्रीटमेंट कैसे करते हैं जिससे कि तार रिमूव हो। तो अभी हम बात करते हैं एक ये जीसी पंप हाउस के बारे में। तो जीसी पंप हाउस क्या है? तो गैस लिक्विड सेपरेटर जो कि पीजीसी के पास रहता है, तो गैस लिक्विड सेपरेटर में गैस और लिक्विड सेपरेट होता है बाय ग्रेविटी। तो रॉ कोक ओवन गैस लिक्विड फ्रॉम बैटरी जो भी आता है तो लिक्विड आ जाता है डिकेंटर में बाय ग्रेविटी। लिक्विड जो है वो डिकेंटर में आता है, और डिकेंटर में यहाँ पे ये एक सेटलिंग टैंक है जो कि ये थ्री लेयर्स में डिवाइड हो जाता है अकॉर्डिंग टू डेंसिटी डिफरेंस। तो सबसे टॉप में अमोनिया लीकर, मिड में तार और नीचे में तार स्लज, ये तीन पार्ट में होता है। तो तार जो है हम लोग फर्दर इसको ड्रेन कर लेते हैं एक अलग सेटलिंग टैंक में, और तार स्लज जो है वो इसको स्क्रैपर से रिमूव करके तार स्लज कलेक्टर में कलेक्ट करके इसको हम लोग कोल मिक्सिंग को फिर से भेज देते हैं, जो कि फिर ये जो है वो कोल से कोक में कन्वर्ट हो जाता है। और जो तार हम लोग एक अलग सेटलिंग टैंक में जिसको हम लोग इंटरमीडिएट तार टैंक बोलते हैं, तो उसमें इसको स्टोर करते हैं, और स्टोर करने के बाद ये भी एक सेटलिंग टैंक है, मतलब कि ये भी डेंसिटी डिफरेंस के अनुसार सेटल हो जाएगा, यानी कि जो भी हैवी मटेरियल्स है वो बॉटम में सेटल होगा, जो मटेरियल जिसका डेंसिटी कम है जैसे कि लीकर वो टॉप में आएगा, और इसको इसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इसमें स्टीम लाइन भी दिया रहता है। तो इसको फर्दर यहाँ से हम लोग लिक्विड को जो हमारा ऊपर में लीकर है उसको ड्रेन कर लेते हैं, और ये तार को हम लोग एक स्टोरेज टैंक में भेज देते हैं, और वहाँ से इसको लोग इसको टैंकर में भर के सेल कर देते हैं। तो ये जो है तार का सेपरेशन। फिर जो है जो भी एक्सेस लिक्विड आता है वो रिसाइकल में जाता है, और रिसाइकल में फिर से इसको गैस कलेक्टिंग मेन को कूलिंग के लिए भेजते हैं, जो कि बैटरी से जो गैस निकलता है उसका टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे कूलिंग के लिए उसको गैस कलेक्टिंग मेन में भेजते हैं। और ये जो वाटर का सर्कुलेशन है वो रिसाइकल होता रहता है, यानी कि ये पंप हाउस टू बैटरी, बैटरी टू गैस कलेक्टिंग मेन, और फिर डिकेंटर, यानी कि ये एक सर्कुलेशन होते रहता है। ये सर्कुलेशन होने से जो भी जो कोल में मॉइस्चर होता है उससे एक्सेस लीकर बनता है। ये एक्सेस लीकर जो है हम लोग एक अलग टैंक में रिमेनिंग अमोनिया टैंक, जो एक्स्ट्रा जो लिक्विड होता है उसको रिमेनिंग अमोनिया टैंक में लेते हैं, और रिमेनिंग अमोनिया टैंक से फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हम लोग कॉलम्स को भेजते हैं जो कि स्क्रबिंग एंड डिसल्फर एरिया में रहता है। तो वहाँ पे इसको इस अमोनिया वाटर को वहाँ पे अमोनिया रिमूव करते हैं, और जो रिमेनिंग वाटर बचता है, जो वेस्ट वाटर बचता है उसको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए BOD भेजते हैं, और जो अमोनिया यहाँ से निकलता है उसको डिकम्पोजिशन भेजते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में क्रैकिंग के लिए। उसके बाद जो भी गैस है उसको वेंट कर देते हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। तो ये तो बात है, मैं अगले
स्लाइड्स में अगले वीडियोज में बताऊंगा आपको, लेकिन यहाँ हम लोग पढ़ते हैं जीसी पंप हाउस के बारे में, जहाँ की तार का सेपरेशन होता है लिक्विड से। तो जैसे कि मैं बताया, तो फिर से एक बार इसको रिपीट करता हूँ। तो जो भी गैस है, जो कि कूल होके गैस और लिक्विड दोनों साथ में बैटरी से आते हैं, जो कि गैस लिक्विड सेपरेटर में, ये ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस के कारण वो सेपरेट हो जाता है। गैस फ्रॉम टॉप से बाहर निकलते हैं और गैस टॉप से, और जो लिक्विड है वो बॉटम से, यानी कि जो भी कोक ओवन गैस है, रॉक कोक ओवन गैस आता है 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यहाँ पे गैस और लिक्विड में सेपरेट हो जाता है। गैस को फर्दर हम लोग क्लीनिंग के लिए आगे सेक्शन में भेज देते हैं, जैसे कि पीजीसी, ईटीपी आगे के सेक्शन में, और जो लिक्विड होता है उसको हम लोग यहाँ पे डिकेंटर में, जो कि एक सेपरेशन टैंक है ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस के कारण, तो यहाँ पे इसको 3 भाग में डिवाइड कर देता है डेंसिटी डिफरेंस के आधार पे। तो तार सरज का डेंसिटी ज़्यादा होता है इसलिए बॉटम में सेटल हो जाता है, और अमोनिया लीकर का डेंसिटी कम होता है इसलिए टॉप में रहता है, और तार का डेंसिटी दोनों के बीच में रहता है इसलिए मिड में रहता है। हम लोग आवरली इसको ड्रेन कर लेते हैं, या एक सर्टेन लिमिट आने, एक सर्टेन लेवल आने पे इसको कंटिन्यूसली ड्रेन करते हैं, या इसको आवरली या 2 आवर या 3 आवर्स डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट। ये तार लेवल हम लोग इसको एक सर्टेन लेवल मेंटेन करते हैं यहाँ पे और ड्रेन करते रहते हैं। तो ये जो तार जो ड्रेन होता है उसमें भी कुछ लिक्कर रहता है, तो यहाँ पे हम लोग सेटल के लिए इसको 24 आवर या 12 आवर्स डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, हम लोग इसको यहाँ पे फर्दर जो है सेटल करते हैं, और सेटल करने के बाद जो भी लिक्विड है जो कि टॉप में आ जाता है उसको फिर से ड्रेन कर लेते हैं, यानी कि ओनली तार जो है यहाँ से रिमूव, तार जो है हम लोग एक अलग स्टोरेज टैंक में भेजते हैं, जो कि उसको TST बोलते हैं, और यहाँ पे स्टोर करने के बाद हम लोग इसको कमर्शियली सेल कर देते हैं, यानी कि टैंकर में भर के इसको सेल कर देते हैं। तो इस तरह से जो एक्सेस लिक्विड है उसको जो है एक्सेस लिक्विड को हम लोग फिर से जो एक्सेस लिक्विड है उसको डिस्टिलेशन कॉलम को भेजते हैं अमोनिया रिमूव करने के लिए, वहाँ पे अमोनिया रिमूव होता है और अमोनिया डिकम्पोजिशन को भेजते हैं क्रैकिंग के लिए, और इसका जो वेस्ट वाटर है वो BOD भेजते हैं फर्दर ट्रीटमेंट के लिए, और बाकी का जो वाटर है ये रिसर्कुलेट होते रहता है, यानी कि पंप टू बैटरी, बैटरी टू GLS, GLS टू डिकेंटर, डिकेंटर टू रिसाइकल, रिसाइकल टू पंप, पंप टू बैटरी, ये सर्कुलेट होते रहता है। और इसमें जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है, जो कोल में एक्स्ट्रा मॉइस्चर रहता है उसको, उससे जो है एक्सेस जो लिक्विड बनता है उसको हम लोग रिमेनिंग अमोनिया टैंक में ले लेते हैं, और अमोनिया रिमेनिंग टैंक में जो एक्सेस लिक्विड है इसको हम लोग क्विंजिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, और इसको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए भी भेजते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। तो थैंक यू।